प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल ब्रिटेन रा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रे साथे करेला वर्चुअल शिखर बैठक। कोविड 19 सहयोग और महामारी सू लड़बारा वैश्विक प्रयासा माथे होवेली चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महामारी रेड अलर्ट नी सख्ती सू लागू करबारा दिया निर्देश। अधिकारियों ने मेडिकल ऑक्सीजन रो आवंटन बढ़ाया जाबा खातिर केंद्र सरकार सू लगातार समन्वय बनाया राखवा ने किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर प्रतिदिन जांच क्षमता बढ़र हुई 1,44,000 रोजीना स्वस्थ होर लौट रिया है मरीज। प्रदेश में आज सू 17 मई तानी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ो हुयो शुरू। सरकार री नूवी गाइडलाइन री कराई जा रही है पालना। और प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा रिकॉर्ड 18,000 सू बेसी नुआ मामला आया सामे। लोग योग और आत्मविश्वास सू जीत रिया है कोरोना सू जंग। नमस्कार, राजस्थानी समाचारा माए आप रो घणो घणो स्वागत। और अब एक खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल ब्रिटेन रा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रे साथे वर्चुअल शिखर बैठक करेला। दोन्यू नेता कोविड 19 सहयोग और महामारी सू लड़बारा वैश्विक प्रयासा माथे भी चर्चा करेला। विदेश मंत्रालय कहो कि शिखर सम्मेलन रे दौरान एक व्यापक रोडमैप 2021 शुरू करो जावेलो जो अगला दशक रे दौरान भारत और ब्रिटेन रे बीच 5 प्रमुख क्षेत्रा माए सहयोग और बढ़ावा रा मार्ग ने प्रशस्त करेलो। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सम्मेलन के दौरान एक व्यापक रोडमैप 2030 लॉन्च किया जाएगा जो अगले 5 दशकों में भारत ब्रिटेन सहयोग को और अधिक विस्तारित और गहरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये 5 प्रमुख क्षेत्र लोगों से लोगों के संपर्क, व्यापार और समृद्धि, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु एवं स्वास्थ्य। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोविड रा लगातार बढ़ता मामला ने देखता हुआ अधिकारियों ने मेडिकल ऑक्सीजन रो आवंटन बढ़ाया जाबा खातर केंद्र सरकार सू लगातार समन्वय बनाया राखबारा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑक्सीजन आपूर्ति एवं दवावारी उपलब्धता और कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करिया। मुख्यमंत्री अधिकारियों ने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा री गाइडलाइन री कड़ाई सू पालना कराबारा निर्देश दिया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर प्रतिदिन जांच क्षमता बढ़र 1,44,000 होगी है। चिकित्सा मंत्री कहा कि प्रदेश में रोजीना हजारों री संख्या में लोग स्वस्थ होर घर लौट रिया है। प्रदेश में मृत्यु दर भी 0.7 है जो देश में सबसे कम है, पर 1,90,000 से ज्यादा एक्टिव मामला चिंता रो विषय है। प्रदेश में आज सू 17 मई ताई महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ो शुरू हो गयो है। इन खातर सरकार गाइडलाइन जारी कर दी है। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा रे दौरान हर शुक्रवार सू सोमवार सुबारे तानी वीकेंड कर्फ्यू रेवेला। जयपुर में भी कोरोना री नूवी गाइडलाइन रेड अलर्ट जन पखवाड़ा री शुरुआत हुई। पुलिस प्रशासन कानी सू सख्ती सू गाइडलाइन री पालना कराई जा रही है। कोरोना गाइडलाइन री पालना खातर आज जोधपुर माए फ्लैग मार्च निकालो गयो। इन दौरान लोग आपरा घरा माए रहर ताली बजार और पुष्प वर्षा कर जवाना रो स्वागत करिया। इन सु पहली जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन पत्रकारा सु बातचीत करता थका गया कि कोरोना ने रोकबा खातर पुलिस सरकार रा दिशा निर्देश अनुसार और कड़ा कदम उठावेली। कोई भी शख्स सड़क माथे बिना वजह घूमतो हुए नजर आयो तो उनने 14 दिन खातर संस्थागत क्वारंटाइन करो जावेलो। नया कोरोना का गाइडलाइंस भी आया है और उसको बिल्कुल सख्ती से पालना किया जाएगा। जो बिना मतलब अति आवश्यक कारण छोड़ के जो बाहर घूमने को कोई भी आदमी मिलेगा उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई किया जाएगा। और कल से जो नया गाइडलाइंस का लागू करने से पहले एक बार सारे जोधपुर वासियों को जहाँ जहाँ संभव हो उनको एक और बार अलर्ट करना है, उनको और जागरूकता बढ़ाना है
रेड अलर्ट, पैंडमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत है, जिसमें और सख्त गाइडलाइंस बनाए गए हैं। अगर कोई कल 12 बजे के बाद बेवजह घूमता पाया जाएगा तो उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यानी कि क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। पूर्व से पुलिस लगातार गाड़ियों के चालान और व्हीकल सीज कर रही थी बेवजह घूमने वालों का। चालान भरने से पुलिस का ये है कि उससे लोगों को डिस्करेज करना है, अननेसेसरी अगर कोई घूम रहा है तो उसके चालान करने और सीज करने से डेफिनेटली अनावश्यक घूमने वाले लोगों में एक भय बैठता है। चित्तौड़गढ़ में आज महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़ा री अनुपालना खातर प्रशासन और पुलिस अधिकारी शहर में फ्लैग मार्च निकालर लोगों ने घरा माए रहबारी हिदायत दी। फ्लैग मार्च री शुरुआत कलेक्ट्रेट सु हुई। इन दौरान कोरोना गाइडलाइन खातिर लोगों ने जागरूक करियो गयो और हिदायत दी गई कि गाइडलाइन रो उल्लंघन करबा वाला रे खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावेली। मैं चित्तौड़गढ़ की जनता से विनम्र अपील करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करें। आप सभी को भली भांति ज्ञात है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। जिला चिकित्सालय व अन्य चिकित्सालयों में कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बिना मास्क मूवमेंट ना करें। राज्य सरकार ने सभी से अपील की है नो मास्क नो मूवमेंट, इसकी पालना करें। प्रतापगढ़ में महामारी रेड अलर्ट पखवाड़ा री पालना खातर पुलिस और प्रशासन का नीसू सख्त कदम उठाया जा रहा है। आज पुलिस उपाधीक्षक ऋषिकेश मीणा प्रतापगढ़ शहर में बनाया गया 10 चेक पोस्टा माथे तैनात पुलिस अधिकारियों ने निर्देशित करया कि बेवजह घूमबा वाला रे खिलाफ सख्ती सु कार्यवाही करी जावे। इन दौरान शहर में फ्लैग मार्च भी करयो गयो। सरकार का जो अलर्ट रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है, उसके तहत पुलिस और प्रशासन की ओर से अब और भी ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। जो लोग अनावश्यक, जो समाज कंटक है, अनावश्यक अभी भी घूम रहे हैं, जो अवेयर नहीं है कोरोना के प्रति, जो समाज के लिए संकट बने हुए हैं, उनके प्रति सख्ती बरतते हुए हमने कस्बे में जो 8-10 पॉइंट बना रखे हैं, नाके बना रखे हैं, उनके अधिकारियों को हमने ब्रीफ किया है कि वो ऐसे जो लोग अनावश्यक घूमने वाले हैं उनकी गाड़ियों को जब्त करेंगे और जब्त करके प्रशासन की टीम को उनको सौंप के उनकी सैंपलिंग करवाई जाएगी। 2-3 दिन उनको कोविड सेंटर में रखा जाएगा। सीकर जिला में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा री सख्ती सु पालना कराई जा रही है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी कया कि कोविड सेंटर में भर्ती मरीजा ने बेहतर उपचार दिलावारी व्यवस्था करी जा रही है। वे कहा कि आमजन रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ो रो राज्य सरकार रा दिशा निर्देश अनुसार पालन करे। वठई पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप कहा कि कोरोना सु बचाव रा काम माए आबा वाली दवावा और चिकित्सकीय उपकरणारी कालाबाजारी रोकनो उनरी पहली प्राथमिकता होवेली। अस्पताल में स्थिति है वो हम सभी उससे भली भांति अवगत हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई न कोई हमारा जानकार, कोई न कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला स्थिति में है कि उनको अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति हम लोग राज्य से पूरा सपोर्ट प्राप्त करके लगातार कर रहे हैं। इसमें हमें जनप्रतिनिधियों का भी सपोर्ट मिल रहा है, माननीय मंत्री महोदय का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो भी हमारे लिए कोई उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपूर्ति जो है वो सीमित है और यदि उससे ज़्यादा वो एक्सीड करती है तो हमें उसमें जो है पूरे राज्य का कोटा है वो अभी सीमित है और जितना प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार से और अपना कोटा बढ़ाने के लिए, लेकिन उस दौरान भी अगर हमारे पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ती है तो हमें एक बहुत मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में हम ऐसी नौबत नहीं आने देना चाहते और नहीं आने देंगे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी गंभीर मरीज को कोई नुकसान हो। हम पिछले एक सप्ताह में भी लगभग 1200 से अधिक लोगों के वाहन जब्त कर चुके हैं। निश्चित रूप से वो लोग किसी न किसी ज़रूरत के लिए निकले होंगे, पर जो गाइडलाइन है उसकी पालना से अलग वो ऐसी चीज़ों के लिए बाहर निकले जो कि उन्हें इस समय नहीं निकलना चाहिए।
मैं आपके माध्यम से सीकर के सभी निवासियों से अपील करना चाहता हूं कि कुछ दिन कम से कम ये 17 तारीख तक जब तक कि ये पखवाड़ा चल रहा है तब तक अपने घरों पे रहें, जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो बाहर नहीं निकलें। बाहर अगर आप निकलते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी से आपका सामना हो सकता है और हो सकता है कि आपकी गाड़ी जब्त हो जाए या आपका कोई चालान हो जाए। सीकर जिलारा रींगस कस्बा माए महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा रे तहत आमजन ने जागरूक करबा खातर पुलिस फ्लैग मार्च करी। पुलिस उपाधीक्षक बनवारी लाल धायल आमजन सु गाइडलाइन री पालनारी अपील करी। कस्बा माए निकाला गया फ्लैग मार्च रे दौरान गाइडलाइन नियमारी जानकारी दी गई। नई गाइडलाइंस जारी की गई है कोविड-19 के बारे में, उनके लिए लोगों को जागरूक करने, लोगों का मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने तथा दुकानदारों और इनको सबको इस बाबत समझाने के लिए आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ऑफिस में सब जगह जा जाकर इनको गाइडलाइन के बारे में आगाह किया गया। प्रदेश में अबारतानी 1,31,29,000 से ज्यादा लोगों ने कोविड टीका लगाया जा चुकिया है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब राज्य में काल 90,286 लोगों ने टीको लगाए गयो। इन में 55,663 ने पहली और 34,623 ने दूसरी डोज दी गई। कोविड टीकाकरण अभियान रा तीसरा चरण में 18 साल से 32 उम्र वाला 26,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन री पहली डोज दी गई। कोरोना टीकाकरण रा तीसरा चरण में धौलपुर जिला में 18 से 44 बरस ताई रा लोगों खातिर इंडिया रेडक्रॉस सोसाइटी कानीसू भार्गव वाटिका में 5 दिवसीय टीकाकरण शिविर रो आयोजन करियो जा रियो है। शिविर में लोगों में टीकाकरण सारू उत्साह देखवा ने मिल रियो है। शिविर में डॉक्टर टीकाकरण ने कोरोना संक्रमण ने रोकबा में एक प्रभावी कदम बता रिया है। वठे दूसरी और युवा वर्ग रा लोग भी इन महामारी ने रोकबा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रिया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 18 बरस से 32 आयु रा लोगों ने लगाई जाबा वाली कोरोना वैक्सीन खातर विधायक कोष से 3 करोड़ रुपया की राशि प्रदान कीनी है। वह कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अत्यंत घातक और अधिक संक्रामक है। इन सु बचाव खातिर लोगों ने वैक्सीन लगाया जानो अति आवश्यक है। कोरोना रा बढ़ता हालाता न देखता हुआ अवन्यारा न्यारा सामाजिक संगठन और भामाशाह मदद खातिर हाथ बढ़ा रिया है। हनुमानगढ़ जिला रा नोहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे ऑक्सीजन प्लांट खातर नोहर विधायक अमित चाचाण विधायक कोटा सु 50 लाख रो बजट दियो है। वे कया कि चिकित्सालय माए 100 ऑक्सीजन बेड भी लगाया जावेला। आवश्यकता पड़वा माथे हर संभव मदद करी जावेली। नोहर के आसपास के क्षेत्र में भी काफी मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए क्योंकि पूरे भारत में ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है, मैंने 50 लाख रुपए के नोहर के राजकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अनुशंसा की है। कल हमने मीटिंग लेकर वार्ता भी की, कई कंपनियों से बात की है और जल्दी जो कंपनी कम रुपए में ज़्यादा सिलेंडरों के ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी उसके आने वाले 2-2.5 महीने में इस प्लांट को स्थापित किया। देश में लारला 24 घंटा के दौरान कोरोना रा 3,68,147 नुवा मामला सामने आया है। इनरे साथ ही संक्रमिता री संख्या बढ़कर 2 करोड़ रे करीब पुगी है। इन बीच राहत री बात यह है कि 3 लाख से ज्यादा लोग इन महामारी ने मात दीनी है। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा रिकॉर्ड 18,298 नुवा मामला सामने आया। इन माए सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर माए 4,456 नुआ संक्रमित मिलिया। इनरे अलावा जोधपुर माए 2,221, उदयपुर माए 12,012, अलवर माए 823, पाली माए 712, चित्तौड़गढ़ माए 655 और कोटा माए 601 रोगी मिलिया है। वठे 159 लोगारी कोरोना से मौत हुई। हालांकि राहत री बात यह है कि राज्य माए 11,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुआ है। फिलहाल 1,89,178 सक्रिय मामला मौजूद है। डॉक्टरी सलाह सु सही इलाज और कोरोना प्रोटोकॉल री सही ढंग सु पालना करे तो कोरोना बीमारी माथे जीत हासिल करी जा सके है।
यो कहना है चुरूरा उन लोगों रो जो कोरोना पॉजिटिव आबेरे बाद भी हिम्मत निहारिया और बीमारी ने हरार स्वस्थ होर घर लौटिया। जैसे ही मुझे कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली, मैंने सबसे पहले अपने आप को क्वारंटाइन किया और डॉक्टर्स के अनुसार जो भी इलाज था इसका वो शुरू किया और सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जो तमाम एहतियात थे वो मैंने बरतने शुरू किए और अपना आत्मविश्वास जो है मजबूत रखा। उसमें मुझे लगता था कि मैं एकदम से ठीक हो जाऊँगा और अपना ध्यान खुद रखते हुए क्वारंटाइन रहते हुए मैंने इस पर विजय पाई। 7वें-8वें दिन में है कोरोना नेगेटिव हो गया। सितंबर में मैं कोरोना पॉजिटिव रहा था, लगातार 3 रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव रही थी। 17 दिन मुझे कोविड सेंटर रहना पड़ा था। उसके बाद डॉक्टर की जो सलाह थी उसका मैंने पालन किया और कोविड की जो प्रोटोकॉल हैं, मास्क लगा के रखना, हाथ को सैनिटाइज करना, ये सभी का मैंने पालन करते हुए कोरोना को हराया है। कि कोरोना गंभीर बीमारी नहीं है, अगर आप इसका प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करते हैं तो आप इस बीमारी को हरा सकते हैं। योग करते रहें, योग भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। राजसमंद जिला में कोरोना पॉजिटिव केसा में वृद्धि हुई है, पर सही इलाज और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करर लोग कोरोना माथे जीत हासिल कर रिया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा ने बताया कि राजसमंद जिला में अबार तानी 11,400 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलिया है। इन मायसू 8,000 से ज्यादा ठीक हो चुकिया है। ओम प्रकाश माहेश्वरी और वाचस्पति देराश्री रो केणो की वना ने कोरोना रा लक्षण दिखाई देबा माथे वे डॉक्टर रे करने गया और उचित सलाह रे पाछे जांच कराई। पॉजिटिव मिलबा परा वे कोरोना प्रोटोकॉल री पालना करत हुआ उपचार लिया और अब वे पूरी तरह स्वस्थ है। थोड़े से लक्षण नजर आए थे तो मैंने तुरंत ही जांच करवा ली थी सेंटर पे जाके और खुद को रिपोर्ट आने से पहले ही आइसोलेटेड कर लिया था मैंने घर में एक कमरे में। और जब मेरी एक दिन बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मैंने पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया और जो डॉक्टर से परामर्श करके जो उन्होंने दवाइयाँ दी थी उस दवाई को नियमित रूप से उसके अनुसार लिया और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया, जिससे आज स्वस्थ हूँ और आपके सामने हूँ। मैंने अपनी कोरोना की जाँच करवाई थी और मैं पॉजिटिव पाया गया, परंतु वापस मैंने होम आइसोलेशन किया और प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा और वापस मैंने दोबारा जांच कराई, उससे मैं नेगेटिव आया। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, गाइडलाइन का ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखें। अजमेर में कोरोना वॉरियर्स आत्मविश्वास और योग सू कोरोना ने शिकस्त दी। अजमेरा वरिष्ठ फोटो पत्रकार दीपक शर्मा रे भी कवरेज रे दौरान कोरोना हो गए हो, पन फील्ड में रहबा वालियों योजाबाज कोरोना वॉरियर खुद ने क्वारंटीन राखियो और योग और आत्मविश्वास सु कोरोना री जंग जीती। ऋषि राज सिंह भी खुद मेडिकल इक्विपमेंट रा व्यवसायी है, वे भी आत्मविश्वास रे साथे कोरोना ने हराया और जनसेवा माए भी जुटर लोगारो हौसलों बढ़ावे है। मैंने खुद ने अपने 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 आप पे विश्वास रख के कोरोना से जंग जीती है और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि अपने आप पे विश्वास रखिए, पूरा डाइट लीजिए, आप अपने योगा करिए, प्राणायाम करिए, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल पूरा रहेगा और अपने आप पे विश्वास रखिए, आप ज़रूर जीतेंगे। एक तरफ कोरोना का बहुत ज़्यादा डर सबके मन में है, लेकिन मैं बता दूं कि मैं खुद कोरोना फेस कर चुका हूँ। कोरोना में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है हमारा आत्मविश्वास। मैं जब 15 दिन घर में क्वारंटाइन रहा, मैंने रोज़ाना आसन किए, प्राणायाम किए और क्योंकि मैं बचपन से आर्य समाज से जुड़ा हूँ, मैंने रोज़ाना यज्ञ भी किया और अपने अंदर जरा से भी नेगेटिव एनर्जी को एंटर नहीं होने दिया। तो इसमें पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो होता है हमारा खुद का कॉन्फिडेंस, हमारी विल पावर। इसी की दम पे हम कोरोना से जीत सकते हैं और कोरोना को डिफीट कर सकते हैं और सावधानियों का पूरा ध्यान रखना है। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर रा सहयोग सु प्रतापनगर रा सिंधु भवन माए कोरोना मरीजा रा परिजना खातिर रहबा और खाबा री व्यवस्था करेगी है। पंचायत रा अध्यक्ष एडवोकेट सीपी खेतानी और कोषाध्यक्ष कमल कुमार वर्जानी बताया कि अबार 50 लोगा रे खाबा पीबा री व्यवस्था करेगी है ताकि मरीजा रा परिजना ने भटकनो नहीं पड़े। संक्रमण के इस महामारी के काल में जो मरीज कोरोना की बीमारी से ग्रसित है और जो RHUS हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय हॉस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, प्रताप नगर सांगानेर के क्षेत्र में भर्ती हैं, उनके जो परिजन, ज़रूरतमंद परिजन जिनके पास आवास की और भोजन की व्यवस्था नहीं है,
सिंधी समाज ने एक पहल सिंधी समाज के नाम से इस प्रकल्प को जो है आज प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य यही है कि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति, मरीज का जो अटेंडेंट है, परिजन है, वो इस शिविर में आकर आराम से रह सकता है। दो समय का हम उनको भोजन प्रोवाइड कराएंगे। करौली की सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया कहा है कि कोरोना रा संकट रा दौरान माए भाजपा कानीसू आमजन ने सहायता खातिर करौली माए कोविड सहायता केंद्र शुरू करियो जावेलो, ताकि लोगों नू समस्या रो सामनो नहीं करनी पड़े। वे कहा कि कोरोना री खतरनाक हो रही दूसरी लहर सु बचाव खातर आमजन ने कोरोना गाइडलाइन री पालना जरूरी है। इनसू पहली सांसद सामान्य चिकित्सालय रो निरीक्षण कर व्यवस्थावा रो जायजो लियो। आम जन से और आप पत्रकार बंधुओं से जो चर्चा हुई, उसमें जो जो कमियां आप लोगों ने सुझाई थी, जो जानकारी ध्यान में दिलाई थी, उसमें इस हॉस्पिटल में पानी के पीने की व्यवस्था थी, चाहे मरीजों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जो उसकी रिपोर्ट जल्दी आने था, ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करना था, वेंटिलेटर्स को सुचारू रूप से चालू करना था, डॉक्टर्स का जो दौरा कोविड वार्ड में था उसकी कहीं ना कहीं सुधार करना था, अतिरिक्त नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ को जो डॉक्टर्स को लगाने की बात थी, ये सारी चीज़ें थी। और भी जो चीज़ें आपने ध्यान में दिलाई थी, चाहे वो वैक्सीनेशन वार्ड था और हमारा जो आरटीपीसीआर जो कोविड सैंपल लेने का एक सेकंड था, इन सब में जो कलेक्टर साहब से सी और इनकी पूरी टीम के साथ में कलेक्ट्रेट में बैठकर हमारी चर्चा हुई। राजधानी जयपुर में महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा रो उल्लंघन करबा माथे लारला 24 घंटा माए 3,474 मामला माए कार्यवाही करता थका 5,38,400 रुपया रो जुर्मानो वसूलो गयो। वठे यातायात नियमा रो उल्लंघन करबा माथे 437 वाहन रा परा कार्यवाही करेगी। पुलिस आयुक्तालय कानीसू जारी रिपोर्ट रे मुजब सार्वजनिक स्थाना माथे फेस मास्क नी पहनावा परा 408 लोगा रे विरुद्ध कार्यवाही करेगी और उनसू 2,04,000 रुपया रो जुर्मानो वसूलो गयो। राज्यपाल कलराज मिश्र विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस माथे बधाई और शुभकामनावा दीनी है। राज्यपाल कहा कि प्रेस ने लोकतंत्र रो चौथो स्तंभ ई लिए केओ जावे है कि लोगा ने सूचनाएं शिक्षा जरिए जागरूक कर जनमत रो निर्माण रो काम मीडिया करे है। वे प्रेस स्वतंत्रता ने सगला स्तरा माथे बनाए रखबा रो आह्वान करता हुआ कोरोना सु बचाव खातिर लोगा ने जागरूक करबा और टीकाकरण खातर देश माए प्रभावी वातावरण बनावा माए प्रेस री भूमिका री भी सराहना करी। बांसवाड़ा जिला में एक माहरे दौरान 1723 किसाना सु 16,488 सु ज्यादा मैट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य माथे खरीदो गयो। इन खातिर बांसवाड़ा जिला में 9 खरीद केंद्र बनाया गया है। एफसीआई मैनेजर महेश ओझा बताया कि खरीदिया गया गेहूं रो भुगतान किसाना रा खाता माए कर दियो गयो है। ये 1 अप्रैल से आज तक दिनांक तक हमने 16,488.45 MT मैट्रिक टन की खरीदारी कर ली है। आवक बहुत बढ़िया है, पैदावार बढ़िया हुई है और पिछले जो लक्ष्य है हमारा 26,000 MT का, उसके लगभग ही हम पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा काम में डिले हो रहा है। सभी लेबर या किसान हर कोई भी मास लगा के काम कर रहे हैं, मास्क लगा के आ रहा है और 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है। नाम आपका? तो नाम समय सिंह मीणा, भुगतान प्रभारी खरीद के अंतर्गत होने। हमने जो अब तक खरीद की है उसका 30 अप्रैल तक का तलवाड़ा का पूरा भुगतान हो गया, पूरे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तलवाड़ा सबके ही भुगतान कर दिया गया। 30 अप्रैल 172.50 किलो तुलाया था, 3,40,000 रुपये 665 रुपये चेक आ गया। गवर्नमेंट में गेहूँ तोलने की वजह से हमें बहुत फायदा हुआ, गवर्नमेंट में होने से हमें 200-300 रुपये का बेनिफिट हुआ। बनिए ले जाते 1600-1700 में होता है, क्विंटल के 300-350 रुपये हमें ज़्यादा मिला। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल कानीसू जयपुर मुख्यालय माथे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा जन्मदिवस रे मौके रक्तदान शिविर रो आयोजन करियो गयो। शिविर माए कोविड प्रोटोकॉल रे तहत 100 लोग रक्तदान करिया। देखिए
राजस्थान के गांधी जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत के 70वें जन्मदिन पर जैसी उनकी मंशा थी कि इस राजस्थान में कोरोना हारे और राजस्थान की जनता जीते और ये कोरोना महामारी ख़त्म हो, उसी मंशा को लेते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने ये तय किया कि पूरे राजस्थान के अंदर हम माननीय राजस्थान के गांधी यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आज रक्तदान महादान का उपहार उनके जन्मदिन पर उनको देंगे और जितने भी सरकारी अस्पताल है उनमें हम ये जो रक्तदान करेंगे वो पहुंचाएंगे ताकि कोरोना के पेशेंट और आम पेशेंट जो रक्त से परेशान नहीं हो, इसके लिए हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये सभी जिला मुख्यालयों पे किया गया है और अभी ये जो प्रदेश मुख्यालय पे चल रहा है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम ये कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया हुआ। प्रदेश में कुछ एक जगह माथे हल्की बारिश दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब चूरू जिला रा बिदासर माए 9 मिलीमीटर जबकि बांसवाड़ा रा कुशलगढ़ माए 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी है। मौसम विभाग जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग माए तेज हवा चलावा और हल्की बारिश होबा री संभावना जताई है। राजस्थान के ज्यादातर भागों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के जिलों में आज एक बार फिर से दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म के साथ अचानक तेज हवाएं या कहीं कहीं आंधी चलने की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी होने के लिए संभावना प्रबल है। बात करें यदि आने वाले दिनों में तो अगले 2-3 दिन राजस्थान में एक बार फिर से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी में कमी होगी, यानी केवल छुटपुट थंडर एक्टिविटी या छुटपुट हल्के दर्जे की बारिश होने की ही संभावना बनी रहेगी। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ दिनांक 6 मई से राजस्थान में सक्रिय होगा और इस सिस्टम का असर 6, 7 और 8 मई को राजस्थान के ज्यादातर भागों में देखने को मिलेगा। इस दौरान एक बार फिर तेज थंडरस्टॉर्म और कहीं कहीं तेज अंधड़ चलने की भी संभावना रहेगी और एक बार फिर से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश 6 से 8 मई के बीच होने की संभावना है। आओ बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना सु बचाव री दिशा माए काई हैं जरूरी कदम। और अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल ब्रिटेन रा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रे साथे करेला वर्चुअल शिखर बैठक। कोविड 19 सहयोग और महामारी सु लड़वा रा वैश्विक प्रयासा माथे होवेली चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महामारी रेड अलर्ट ने सख्ती सु लागू करबारा दिया निर्देश। अधिकारियों ने मेडिकल ऑक्सीजन रो आवंटन बढ़ाया जाबा खातिर केंद्र सरकार सु लगातार समन्वय बनाया राखवा ने किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया प्रदेश माए कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर प्रतिदिन जांच क्षमता बढ़र हुई 1,44,000। रोजीना स्वस्थ हो लौट रिया है मरीज। प्रदेश में आज 17 मई तानी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ो होयो शुरू। सरकार री नुवी गाइडलाइन री कराई जा रही है पालना। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा रिकॉर्ड 18,000 सु बेसी नुवा मामला आया सामे। लोग योग और आत्मविश्वास सु जीत रिया कोरोना सु जंग। इन्हें साथ ही समाचार पूरा हुआ।